हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो काफी लॉन्ग टाइम के बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूं ऐसा, क्योंकि जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोवर हैं वो सब जानते हैं कि मैं थोड़ा ट्रिप पे गई थी, शिरडी गई थी, त्रिम्बकेश्वर गई थी। लेकिन अब आपसे आपको रेगुलर वीडियोज मिलेंगे और बहुत से लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हो क्योंकि ठंड स्टार्ट हो चुकी है, बालों की समस्या, स्किन की समस्या, वेट तेजी से बढ़ रहा है। तो आप सारी चीजों को शॉर्ट आउट करने में आई हूँ और हर क्वेश्चन आंसर भी मैं दूंगी। बहुत से लोगों के मेल्स भी आ रहे हैं तो सबका आंसर अब मिलने वाला है, सबकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलने वाला है। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ठंड आ चुकी है, लोगों के बाल मतलब बे इंतहा झड़ रहे हैं, डैंड्रफ बहुत हो रहा है और जो मतलब बालों में की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करें। मैंने ऑलरेडी विंटर की बहुत सारे पैक बताए हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो सब झंझट नहीं करना चाहते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो महंगे ट्रीटमेंट्स नहीं कर सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मार्केट का ऑयल नहीं खरीद सकते हैं। और पर्सनली मैं ठंड में ऐसा क्या यूज करती हूँ जिसकी वजह से मेरी स्कैल्प पे डैंड्रफ नहीं होता है, स्कैल्प में बिल्कुल भी जो है संक्रमण नहीं होता है, बाल भी नहीं झड़ते हैं, बालों का जो लुक है वो भी काफी अच्छा रहता है, बाल काफी शाइन रहते हैं और सबसे मेन बात है बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और बाल जो है काफी घने घने से दिखाई देते हैं। तो आज मैं बहुत ही बोलते नहीं सस्ते से भी सस्ता, हर कोई जिसे अफोर्ड कर सकता है, एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि पर्सनली मैं इसे यूज करती हूँ और मैं तब से इसे यूज कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ जो एक साल पहले जो अपना हेयर कट लिया था जावेद हबीब से, तो वहां मुझे एक हेयर स्टाइलर मिले थे सलमान जी, तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि जब भी गर्मी हो तो आप हमेशा नारियल का तेल लगाएं और ठंड में मतलब पूरे ठंड आपको सरसों का तेल लगाना है, वो भी गर्म करके। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह, और हाँ किस तरह से गर्म करना है, ये नहीं कि जस्ट लिया और गैस पे चढ़ा दिया सरसों का तेल, तो इस तरह नहीं यूज करना है। जिस टेक्निक से उन्होंने मुझे बताया था कि आपको सरसों का तेल अपनी बालों पर लगाना है, स्कैल्प में बहुत अच्छे से मसाज करनी है, तो वो सारी टेक्निक आज मैं लेके आई हूँ। और एक और चीज, मुझसे बहुत से लोग कह रहे थे कि आप ट्रैवल करके आए हो तो आपकी स्किन काफी खराब हो गई होगी, या जो मैंने भी फोटो डाली थी आपके साथ पिक शेयर की थी, तो बहुत से लोग बोल रहे थे काफी शाइनिंग आपकी स्किन है। तो आपने ऐसा क्या किया कि मतलब ट्रैवल करते हुए भी आपकी स्किन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई और आप वैसे ही चमक रहे हो? तो उसका भी एक फेस पैक मैं लेके आई हूँ कि किस तरह से आफ्टर ट्रैवलिंग मैंने अपने स्किन और अपने हेयर्स को काफी अच्छे से रखा है, तो वो चीज भी मैं आपसे शेयर करूंगी कल या परसों में। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब मैं वीडियो डालती हूँ तो उन्हें नहीं मिलता है, तो वो इसलिए उन्हें नहीं मिलता है क्योंकि वो लोग उस बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। Turned toward me and looked so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent, falling, the wind is calling. You must return to the wild. You're silent, falling, the wind is calling. You must return to the wild. जो ऑयल को है उसे गुनगुना करना है, तो मैं इसे इस तरह ही ऐसे रखूंगी ताकि जो टेम्परेचर है ऑयल का वो बना रहे। और कल संडे है तो ऑफ कोर्स
हर कोई अपने बालों में ऑयलिंग करता है, ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, कोई गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, वो मतलब हर सैटरडे ऑयलिंग करता है, बालों को मसाज देता ही देता है। जिन्हें पैक या मेहंदी लगानी हो, कलर लगाना, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग भी हैं वो ऑयलिंग जरूर करते। तो इसलिए वीडियो स्पेशली आ रहा है कि जिन जिन लोग भी, जैसे बहुत से लोग 11 बजे 12 बजे, जैसे मैं हूँ 11 बजे 12 बजे 10 बजे, मतलब हमेशा ऑयल मसाज लेती हूँ। मैं जब भी अपनी मम्मी के घर जाती हूँ तो मैं उनसे जरूर ऑयल मसाज लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऑयल की मसाज लेना काफी पसंद है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए और मसाज करते हैं। तो मैंने सोचा मसाज करते करते आप लोगों से बहुत अच्छे से बातें भी करती हूँ। तो इस तरह से आपको अपने बालों का हर एक पार्ट करके, मतलब जो ये जितना भी मैंने ऑयल लिया है, हाफ कटोरी से ऊपर है, ये पूरा बहुत अच्छे से डीप मसाज जिसे बोलते हैं ऑयल करने वाली हूँ, ताकि मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि मतलब रेयरली ऐसा हो पाता है, वरना मैं वीक में 3 टाइम जरूर अपने बालों को मसाज करती हूँ ऑयल से। और सैटरडे को तो मैं बिल्कुल, जो बोलते हैं कि बालों से अगर आप ऐसे करोगे तो बिल्कुल तेल ही तेल हाथ में आएगा, तो इतना ज्यादा ऑयल में लगाती हूँ ताकि डीप आपकी जो है मसाज हो पाए। और ऑयल करने के बाद आपको क्या करना है, यानी अगर आपने रात में अपने बालों में ऑयलिंग की है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो मुझे उन्होंने बताया था, तो वो भी मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बालों में ऑयलिंग करना स्टार्ट करती हूँ। मसाज हो चुकी है बहुत अच्छे से, मैंने डीप मसाज की है, मतलब कि बहुत अच्छे से, जिससे बालों के अंदर जो ऑयल बहुत अच्छे से निकल जाए। और मैंने ये वाला स्टेप इसलिए किया है, आपने देखा होगा कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारा ऑयल लेके उनके यहाँ सर पे डाला जाता है, इसलिए आपको भी यहाँ पे अपने बालों पे इसलिए ज्यादा सा ऑयल लेके करना है कि जिनको भी सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत तेजी से जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो सर दर्द की प्रॉब्लम तो जानी जानी है, अगर आप वीक में 3 बार मसाज करते हो और बहुत अच्छे से ठक ठक करके यहाँ पे करते हो, तो जिससे बहुत अच्छे से आपके सर दर्द की प्रॉब्लम जाएगी। और बहुत अच्छे से आपको डीप मसाज करनी है, और जब आप बालों की मसाज कर ले, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट मॉर्निंग 8-7-8 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर भी आप ऑयल रख रहे हो, उसके बाद आपको अपने बालों को एक स्टीम देनी है। स्टीम इसलिए देनी है कि जितना भी ऑयल आपने लगाया है, स्टीम देने से जो ऑयल है वो आपके
स्कैल्प के अंदर जाएगा जिससे कि फुल नरिशमेंट मिलेगी आपके स्कैल्प को। और कभी कभी बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो स्कैल्प में जिंक की कमी, हमारी बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है जिसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो सरसों के तेल में भरपूर मात्रा में जिंक होता है जिसकी वजह से बाल झड़ने की प्रॉब्लम जाती है। बीटा कैरोटीन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन ए होता है, ई होता है, मतलब हर चीज भरपूर मात्रा में होती है जिस वजह से सरसों का तेल काफी इफेक्टिव है आपके बालों के लिए। और एक सबसे चीज अच्छी मैं ये बताऊंगी कि सरसों के तेल ठंड में इसलिए लगाना चाहिए, आपको सर्दी से ये बचाएगा, यानी कि आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आई होप गाइस आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया, और अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, और इस वीडियो को शेयर करने का मेरा पर्पस यही था कि कल संडे है तो आज जितने लोग भी हैं अच्छे से ऑयलिंग कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।